चिली चिकन किसको खाना पसंद है, या मैं बोलूं किसको खाना पसंद नहीं है। लेकिन दोस्तों, रोज़ रोज़ तला हुआ जो होता है ना, मार्केट का ज़्यादा मिर्च मसाले वाला, वो खाया नहीं जाता। तो आप देख रहे हैं मधुज फूड फन हेल्थ यूट्यूब पर, और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला चिकन, चिली चिकन, जिसमें चिली तो नाम के लिए होगी लेकिन फ्लेवर सारे होंगे। तो मैंने ले लिया है 400 से 500 ग्राम, ये बोनलेस थाई पीस है चिकन का, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। ये सबसे सॉफ्ट पोर्शन होता है, तो इसको कुक करना भी आसान होता है और अदरवाइज़ खाने में भी आसान होता है। तो थोड़ा सा नमक, इसको थोड़ा मैरिनेट करके रखेंगे कुछ टाइम के लिए। काली मिर्ची आधा चम्मच के करीब, काली मिर्च पाउडर है, और ये नींबू निचोड़ रही हूँ, जो एक मीडियम साइज़ का नींबू है, आप समझिए, उसका रस इसमें डालेंगे। बहुत ही सिंपल मैरिनेशन है, इसमें कोई मिर्च मसाले ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, जो मैं इसमें सेसमे ऑयल यूज़ कर रही हूँ, मुश्किल से एक टेबलस्पून बस। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके और इसको हम थोड़ी देर रेस्ट करने देंगे, मे बी आधा घंटा। अगर आप ज़्यादा देर भी रख लें तो भी कोई इशू नहीं है। और मिनिमम आधे घंटे के बाद हमारा मैरिनेशन हो गया है। और अब ये नई चीज़ जो मैंने अपने एयर फ्रायर के लिए मंगाई है, इस पे मैं शिफ्ट कर दी हूँ ये सारा चिकन। जी हाँ, मैं इसको डीप फ्राई करने वाली नहीं हूँ। एक्चुअली जब चिली चिकन बनता है तो इसको कॉर्नफ्लोर में लपेट के डीप फ्राई करते हैं, लेकिन मैं इसको इस सिलिकॉन डिश पे रखने वाली हूँ जो मैंने अमेज़ोन से मंगाई है। लिंक इसका, प्रोडक्ट का, मैं नीचे दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप मंगाना चाहें तो। और इसको रख दिया मैंने अपने एयर फ्रायर की ट्रे में 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए। मैं इस चिकन को रखने वाली हूँ, बोनलेस थाई पीस है, बहुत जल्दी मेरा कुक हो जाएगा। तो जब तक मेरा एयर फ्रायर अपना काम कर रहा है, तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। लहसुन 10 से 12 फ्लेक्स, इसको छीलने का सबसे आसान तरीका, पानी में भिगो के रख दीजिए 5-10 मिनट, और उसके बाद उसकी स्किन जो है वो ढीली पड़ जाएगी और बहुत आराम से पील हो जाएगी। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, ये है एक आज की टिप, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें। और इसी के साथ दूसरी टिप है, इसको मुझे क्या करना है, बारीक बारीक काटना है। तो उसके लिए ये जो हमाम दस्ते का ऊपर से दस्ता होता है ना, जिससे हम पीसते हैं, उससे आप हल्के हाथ से थोड़ा सा प्रेशर दे दीजिए, ताकि ये जो सारी हमारी फ्लेक्स हैं ये फ्लैटन हो जाए, मतलब कि फ्लैट नीचे बैठ जाए। तो जब ये बैठेंगी तो ये सेमी क्रश भी हो जाएंगी। सेमी क्रश के बाद आपको इसको छोटा छोटा काटना बहुत आसान होगा। जो बड़े बड़े शेफ्स होते हैं ना, उनके पास बड़े बड़े नाइफ होते हैं, वो तो उसी के ऊपर थोड़ा सा हथेली से प्रेशर देके और कर देते हैं, लेकिन मेरे को हथेली से प्रेशर देने की जगह ये आसान लगता है। तो ये है दूसरा टिप आज का, कि अगर आपको लहसुन छोटा छोटा बारीक काटना है तो इस तरह से आप उसको फ्लैटन करके और बारीक काट सकते हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसे कट गया। और इसी के साथ मेरे को चाहिए प्याज, जो मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं और 1 मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च लिया है। तो इनको डाइस करेंगे क्यूब्स में कुछ ऐसे। और अब बारी है कैप्सिकम को काटने की। कैसे काटते हैं आप लोग कैप्सिकम? मैं इस तरीके से काटती हूँ, जो बीज का पोर्शन है जहाँ पे सारे बीज होते हैं उसको साइड में कर दिया इस तरीके से, और साइड से काट के निकाल लिया। अब इसको भी हम डाइस कर लेंगे क्यूब्स में, जिस तरह से प्याज को हमने क्यूब्स में काटा है, कुछ ऐसे। और एक और चीज़ जो इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ, वो है हरी मिर्ची। अब दोस्तों, हरी मिर्ची ना आप पे डिपेंड करता है, आप अगर स्पाइस ज़्यादा लेते हैं तो 3 हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं बीज के साथ। मैंने इसमें से बीज निकाल दिए हैं क्योंकि हम मिर्च नहीं खाते। और ये है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की स्लरी जो है दोस्तों, ये मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ये रेसिपी कॉर्नफ्लोर स्लरी के साथ बना रही हूँ। अदरवाइज़ मैं कैसे बनाती हूँ, ये आगे वीडियो आएगी तो मैं उसमें आपको बता भी दूँगी। तो ये हमारा 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 5-6 चम्मच पानी से हमारा ये घोल तैयार हो गया।
अब देखिए 15 मिनट बाद मेरा एयर फ्रायर अपने आप स्विच ऑफ हो गया और ये कुछ इस तरह से मेरा चिकन तैयार हो गया। डीप फ्राई करते तो आप बता दीजिए इसमें कितना घी और तेल आपका लगता, और इतना खाना तेल अच्छा भी नहीं है भाई। तो बस मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ, तभी आपसे हल्का तरीका शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, मुश्किल से 1 से 1.5 टेबल स्पून, और उसमें गया मेरा ये बारीक कटा हुआ लहसुन, लहसुन के साथ में प्याज। बस सारी चीज़ों को एक एक करके डालते जाना है। थोड़ा थोड़ा कुक होगा, प्याज हल्का सा पिंकिश हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पे रखिए, हाई फ्लेम पे तो जल जाएगा, तो मीडियम फ्लेम पे, बीच बीच में हाई कर भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और हरी मिर्ची, साथ में कैप्सिकम, बस एक एक करके सारी चीज़ों को डालना है। और क्या है, मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए इसको थोड़ा सा पकाएंगे, बस गुलाबी होगा, थोड़ी सी खुशबू उठेगी कैप्सिकम की। और अब मेरा टाइम है चटनियाँ डालने का। ये रेडीमेड आती हैं, मैं डाल रही हूँ शाजवान चटनी, ये मेरे पास इस वक्त अवेलेबल थी। कई बार मेरे पास वो चिली गार्लिक पेस्ट होता है तो मैं वो भी डाल देती हूँ, बट इस वक्त जो मेरे पास अवेलेबल है वो मैं डाल रही हूँ, और अच्छा फ्लेवर आता है, कोई इसमें इशू नहीं आता। नमक बहुत बैलेंस कीजिएगा, हर चीज़ में पहले नमक डाला हुआ है। लाल मिर्ची पाउडर भी मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है, और ये है वाइट विनेगर। वाइट विनेगर 1/2 टीस्पून मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, इसमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा जो ज़रूरत है वो हमें सोया सॉस की है, जो डार्क सोया सॉस है। ये मेरा डार्क सोया सॉस है, तो मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून। अगर आपके पास डार्क नहीं है, हल्का है, तो आप 3 टीस्पून डाल दीजिए, उसी से आपकी रंगत अच्छी आएगी। तो देख रहे हैं कितना सुंदर इसका रंग आ गया। और थोड़ी सी चीनी, जी हाँ, 1/2 टीस्पून के करीब इसमें डाल दी चीनी, जो खट्टा मीठा और स्पाइसी टेस्ट आता है ना, वही तो मज़ा आता है। तो ये मैं चिकन पलट रही हूँ अलॉन्ग विद चिकन स्टॉक। अब यहाँ पर एक चीज़ बोलूँगी, अगर आप सूखा चिली चिकन खाना चाहते हैं तो आप स्टॉक अलग कर लीजिए, सिर्फ सूखा चिकन निकाल लीजिएगा और इस सूखे मसाले में ऐड कर दीजिएगा, आपका स्नैक की तरह चिली चिकन तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं बनाने जा रही हूँ इसको ग्रेवी में, क्योंकि मुझे खाना है प्रॉपर मील, जिसमें हम लोग, आपको अचरज होगा, रोटी के साथ खाते हैं। आप राइस बना सकते हैं, आप फ्राइड राइस बना सकते हैं, नूडल्स बना सकते हैं, जो आपका दिल करे। तो इसमें गया पानी, पानी जितना आपको ग्रेवी रखना है उतना। अब यहाँ पर मैं आपको बता रही थी ना कि मैं इसमें कॉर्नफ्लोर की स्लरी नहीं डालती। इस तरह से जब उबाल आ गया ना, तो मैं इसको बस धनिया डाल के बंद कर देती हूँ। लेकिन क्योंकि आप अगर गाढ़ा चाहते हैं ग्रेवी को, मैं इसको सूपी बहुत पसंद करती है मेरी फैमिली, और अगर आपको गाढ़ा चाहिए तो बस इसमें ये जो हमने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाई थी वो इसके अंदर मिक्स करेंगे, और इसको डालते ही आप देखेंगे कि ये गाढ़ा हो गया। देख रहे हैं हमारा जो ग्रेवी है वो गाढ़ा हो गया। तो बस ये अपनी अपनी चॉइसेस हैं, आपको अगर इस तरह से पसंद है तो आप ऐसे कर सकते हैं। और गाढ़ा होते ही बस ऊपर से धनिया पत्ता डालिए, गैस को करिए बंद, लगा दीजिए ढक्कन, जब तक आप सर्व करें तब तक इसको रेस्ट करने दीजिए। सो टाइम टू सर्व, हम खाने जा रहे हैं इसको रोटी के साथ। जी हाँ, थोड़ा सा देसी, थोड़ा सा विदेशी टच लेके हम इसको खाने जा रहे हैं, और आप लोग भी बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।